नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के सातवें दिन महासप्तमी पर मां काली की पूजा की। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह दिन मां कालरात्रि की पूजा का पवित्र दिन है। नवरात्रि का यह उत्सव 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की कार्यकारी निदेशक नतालिया कनीम ने भारत की गरीबी में कमी, विद्युतीकरण और स्वच्छ पानी एवं स्वच्छता में प्रगति की सराहना की है। उन्होंने मातृ मृत्यु दर में कमी और बाल विवाह में गिरावट को भी महत्वपूर्ण माना। कनीम ने भारत के डिजिटल नवाचारों और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज वितरण को दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी, जिसका खर्च 17,082 करोड़ रुपए होगा। इसके अलावा राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2,280 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 4,406 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के निर्माण को भी मंजूरी मिली। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत ने पार्टी का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जातीय राजनीति और विभाजन की साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दलितों और ओबीसी ने बीजेपी का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस ने किसानों को भड़काया। विवादित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की आलोचना कर रहे हैं। नाइक ने कहा कि पाकिस्तान में उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिला और भारत में एयरलाइंस उनके अतिरिक्त सामान के शुल्क माफ कर देती है। भारतीय रेलवे ने तीर्थ पर्यटन के तहत श्री रामायण यात्रा पैकेज लॉन्च किया है, जो 28 नवंबर से शुरू होगा। यह 16 रात और 17 दिन की यात्रा होगी, जिसमें अयोध्या, जनकपुर, सीतामढ़ी, वाराणसी और प्रयागराज जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण शामिल है। खर्च 1,68,420 रुपये से शुरू होता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डूसू उम्मीदवारों को मतदान के दौरान परिसर की गंदगी साफ करने का निर्देश दिया, अन्यथा मतगणना नहीं होगी। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का इरादा नहीं जताया, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का संदेश दिया। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन आदमपुर सीट पर भजनलाल परिवार को 56 साल बाद हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के पूर्व IAS चंद्र प्रकाश ने बीजेपी के भव्य बिश्नोई को 1,268 वोटों से हराकर सीट जीती। चंद्र प्रकाश 2017 में रिटायर हुए थे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है और UPI के लिए ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ाई है। UPI 123 पे की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 और UPI लाइट वॉलेट की सीमा 2,000 से 5,000 कर दी गई है, जिसे फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान में आसानी होगी। हैदराबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी, जो डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए, जिसमें पत्नी के पास नोटों के बंडल दिखाए गए हैं। पति ने तलाक की अर्जी भी दी है। स्थिति की जाँच चल रही है। ईरान में हालिया भूकंप के पीछे संभावित कारणों पर चर्चा हो रही है। कुछ का मानना है कि यह भूकंप ईरान के परमाणु परीक्षणों के कारण हो सकता है, जबकि अधिकांश भूवैज्ञानिक इसे प्राकृतिक मानते हैं। परमाणु परीक्षण शक्तिशाली विस्फोट होते हैं, जो भूकंप और अन्य खतरनाक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की रोमांचक जीत पर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनके दिल्ली ऑफिस में 1 किलोग्राम जलेबी भेजी, जिसकी जानकारी भाजपा ने एक्स के माध्यम से दी है। दिल्ली में पिछले 20 दिनों से बारिश नहीं हुई और मानसून की वापसी 2 अक्टूबर को हुई। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अगले एक सप्ताह तक यही स्थिति रहेगी, लेकिन अक्टूबर के दूसरे हिस्से में तापमान में गिरावट की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर को 6.5% पर बनाए रखा, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महंगाई नियंत्रित रहती है तो दिसंबर 2024 में कटौती संभव है। रियल एस्टेट और बैंकिंग क्षेत्र ने RBI के इस निर्णय का सकारात्मक स्वागत किया है, जिससे बाजार में उत्साह बढ़ा है। गाजा में युद्ध समाप्ति की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं, जबकि इसराइल की बमबारी बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने इसराइल को समर्थन दिया है, लेकिन बाइडेन प्रशासन की कथनी और करनी में अंतर साफ है। गाजा की स्थिति गंभीर है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री मैथ्यू डोमिनिक ने 8 अक्टूबर को ड्रैगन
ड्रैगन एंडेवर से शिकागो के ऊपर लाल और हरे अरोरा का अद्भुत टाइम लैप्स वीडियो कैप्चर किया। यह नज़ारा हाल ही में हुई सौर विस्फोट के कारण उत्पन्न हुआ था। वायरल वीडियो को 2 लाख से अधिक बार देखा गया और यूजर्स ने इसे शानदार और मंत्रमुग्ध कर देने वाला बताया। टाटा ग्रुप का शेयर ट्रेड हाल में तेजी में है, 3.3% बढ़कर 8,318.25 रुपये के 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 2 दिनों में 12% की वृद्धि हुई। मुख्यतः कंपनी के नए लैब विकसित डायमंड ब्रांड पोम के पायलट लॉन्च के कारण मॉर्गन स्टेनली ने ट्रेंड पर ओवरवेट कॉल बरकरार रखा है। जो रूट ने मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया। एलिस्टेयर कुक को पीछे छोड़ते हुए 12,473 रन बनाए। उन्होंने यह उपलब्धि 147 टेस्ट में हासिल की। रूट ने शतकों में भी कुक को पीछे छोड़ दिया था और इस समय 87 रन पर नाबाद है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कनाडिया में स्थित 300 वर्ष पुरानी अहिल्या बावरी के जीर्णोद्धार का शुभारंभ किया। 50 लाख रुपए की लागत से होने वाले इस कार्यक्रम में लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर की प्रतिमा, गार्डन, मंदिर और बाउंड्री वॉल का निर्माण शामिल है। बावरी को आदर्श रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार के जहानाबाद में आज एक सड़क हादसे में पटना से गया जा रही बस को हाइवा ट्रक ने टक्कर मारी। बस में 23 विदेशी बौद्ध भिक्षु सवार थे, जिनमें से 8 घायल हो गए हैं, 3 की हालत गंभीर है। हादसा NH-83 पर सलीमपुर गांव के पास हुआ, जबकि भिक्षु बौद्ध गया लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी के लिए अपनी 22 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें भुवनेश्वर कुमार का नाम नहीं है। यह उनके लिए टीम इंडिया में वापसी की उम्मीदों को झटका है। भुवनेश्वर ने 72 फर्स्ट क्लास मैचों में 231 विकेट लिए हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 6 सालों से टेस्ट नहीं खेला। केंद्र सरकार ड्रोन क्षेत्र के लिए नई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI लाने की तैयारी कर रही है, जिससे जेन टेक्नोलॉजी के शेयरों में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है। नागर विमानन सचिव ने कहा कि नई योजना अधिक कुशल होगी, जबकि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए 3,000 ड्रोन खरीदने की निविदाएँ तैयार की जा रही हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक टेरिटोरियल आर्मी जवान हिलाल अहमद भट्ट का शव कोकरनाग क्षेत्र के उतरुसु जंगल से बरामद किया गया। जवान मंगलवार से लापता था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जांच जारी है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। स्थानीय लोगों ने जवान के बलिदान को सलाम किया। ICC ने अपनी ताज़ा रैंकिंग जारी की है, जिसमें हार्दिक पांड्या ने ऑलराउंडर्स में 4 स्थान की छलांग लगाकर 3रा स्थान हासिल कर लिया है। अगर वे बांग्लादेश के खिलाफ आगे के मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वे नंबर 1 बन सकते हैं। वहीं रविंद्र जडेजा टेस्ट ऑलराउंडर्स में पहले, जबकि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों में 1 स्थान पर हैं। जनरल डिब्बों में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए नई सुविधा की घोषणा की है। दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 4-4 जनरल कोच जोड़े जाएंगे, जिससे यात्रियों को लाइन में लगने या भीड़ में यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। कुल 2,000 नए जनरल कोच मार्च 2024 तक बनाए जाएंगे। नेपाल सरकार ने नए नोटों के छापने का टेंडर चीन की कंपनी MS चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मेनीटिंग कॉरपोरेशन को दिया है। लगभग 3,000 करोड़ रुपए के मूल्य के नोट छापे जाएंगे, जिसमें नेपाल का विवादास्पद नक्शा भी शामिल होगा। यह निर्णय ग्लोबल टेंडर के बाद लिया गया है और टेंडर की राशि $72 लाख है। उज्जैन में संभागायुक्त संजय गुप्ता ने महाकालेश्वर मंदिर और स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ठेकेदारों को निर्देश दिए कि कार्य गुणवत्ता से है और समय पर पूरा करें। रुद्र सागर पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज के निर्माण में तेजी लाने के अलावा विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की भी जाँच की गई। भक्तों ने महाकाल को चांदी का मुकुट भेंट किया। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल किया। यह IPO 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इसमें केवल ऑफर फॉर सेल के जरिए 14.2 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे। IPO का कुल मूल्य $3 अरब है। प्राइस बैंड 9 अक्टूबर को घोषित होगा।
सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। अपना पद छोड़ने से पहले उन्होंने कहा कि मैं नवंबर में भारत का मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पद छोड़ने वाला हूं। इस दौरान मेरा मन भविष्य और अतीत को लेकर चिंताओं से भरा हुआ है। मैं खुद से यह सवाल पूछता हूं कि मैंने वो सब किया जो मैंने तय किया था। इतिहास मेरे कार्यकाल को कैसे याद रखेगा? क्या मैं कुछ और बेहतर कर सकता था? मेरे द्वारा छोड़ी गई विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी होगी? भारत ने ट्रेकोमा बीमारी से पूरी तरह छुटकारा पा लिया है, जिससे यह दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस बीमारी को समाप्त करने वाला तीसरा देश बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत की इस उपलब्धि की सराहना की और सम्मानित किया। ट्रेकोमा एक संक्रामक आंखों की बीमारी है जो गंभीर परिस्थितियों में अंधापन का कारण बन सकती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं मोहम्मद शाकिर हुसैन, नौशाद रजा, रविशंकर, रंजीत कुमार झा और राकेश मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपको भी त्योहारों के दौरान रेल से यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? अगर हाँ तो अपना जवाब कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।